हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आई होप यू आर डूइंग गुड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर सेवन। आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेवन ट्रायंगल, जिसकी हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी ये इक्वल परपेंडिकुलर पे है टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये किस लाइन सेगमेंट पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे। आप फिगर 7.18 में देख सकते हैं, सो दैट सी डी बायसेक्ट ए बी। हमें क्या इसमें मतलब शो करना है, जो सी डी है, सी डी ये बायसेक्ट कर रही है ए बी को, यानी इस लाइन को ये क्या कर रही है, बायसेक्ट कर रही है, हमें ये इसमें दिखाना है। तो देखिए, हम अपने सवाल करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं गिविन क्या दिया है हमें मटीरियल। देखिए गिविन, तो गिविन हमें दिया गया है, गिविन हमें दिया है ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम साइन इस तरीके से लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर टू अ लाइन, टू अ लाइन सेगमेंट, टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये देखिए, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी जो ए डी है हमारा, ए डी और जो बी सी है वो इक्वल परपेंडिकुलर हमारे सेगमेंट पे, ए बी वाले सेगमेंट पे परपेंडिकुलर इक्वल है। देखिए, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। देखिए, एंगल सी बी ओ यानी ये एंगल हमारे डी ओ ए या डी ए ओ के बराबर, क्योंकि ये 90 का, ये 90 का, इस तरीके से हम बराबर कर सकते हैं। और टू प्रूफ में लिख लीजिए, टू प्रूफ में सी डी बायसेक्ट ए बी, सी डी बायसेक्ट हमारे ए बी कर रहे हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये हमारा गिवन दिया गया है। देखिए, अब हमें प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में हमें करना है इन ट्राइंगल। अब कौन से ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल सी बी ओ एंड ट्राइंगल डी ए ओ, डी ए ओ। देखिए, बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि सी बी ओ, सी बी ओ में और डी ए ओ में, तो हमें क्या दिया है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी जो बी सी है वो ए डी के बराबर है, क्योंकि ये लाइन इक्वल है। अब देखिए, ये क्या है हमारी, ये होगी हमारी साइड। अब एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ये क्या हमारे एंगल है, ये हमारा एंगल है। देखिए, सी बी ओ, सी बी ओ और डी ए ओ ये 90 के, तो हमारे इक्वल हो गए। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये हाइपोटेनियस दिया गया, हाइपोटेनियस ये हमारा हाइपोटेनियस दिया गया, लेकिन है क्या, ये साइड है ये हमारी। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है ना, बाय आर एच एस हमारा ये क्या हो चुका है, यहाँ पे प्रूव हो चुका है, सी बी ओ प्रूव्ड यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ए ओ। तो बी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, हमारा ये क्या हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ। जब ये सारे कंडीशन फिल हो गए तो ये इक्वल आपस में हो जाएगा। देखिए, क्यों हमारा ये हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल सी बी ओ हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल डी ए ओ ये हमारा, यहाँ पे जो हमारा जो सवाल है यहाँ पे प्रूव्ड होता है, और इसी के तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है पूरा कम्प्लीटली फिलअप होता है, और यहीं हमने अपने क्वेश्चन की एंडिंग की है, और इसी तरीके से जो पूरा क्वेश्चन है ये इसी तरीके से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।